हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं लेके आऊँ आप लोगों के ऑल न्यू न्यूली लॉन्च हुंडई एक्सटर, जो कि आप खाकी कलर में देख रहे हैं। सामने खड़ी है, काफ़ी प्रीमियम लग रही है और इसका सीधा सीधा कंपटीटर टाटा पंच से है, जो कि कुछ नहीं है इसके सामने। भाई इतने सारे फीचर लोडेड कार है इसमें, वायरलेस चार्जर, सनरूफ, 6 एयरबैग। इसमें बेस से लोगे तब भी 6 एयरबैग, टॉप लोगे तब भी, और बॉक्स बॉक्सी डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेंगे। अब प्राइस की बात करें तो 6 लाख के आसपास ये शुरुआत होती है इसकी प्राइस, और 11.5 के आसपास ये प्राइस जाती है। और काफ़ी फीचर इसमें आपको दिए गए हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। डैश कैम वगैरह सब कुछ, 6 एयरबैग इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और पंच में इसमें आपको 1200 cc 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेंगे, वहीं पंच में आपको 3 सिलेंडर ही देखने को मिलती है। बहुत सारे इसमें चेंजिंग है, कॉस्ट भी इसका कम है और काफ़ी उससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है। तो वीडियो में बने रहें, पूरा आपका इसको डिटेल में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको हुंडई की लोगो सैटन फिनिश में देखने को मिल जाएंगे, वहीं वहीं उसके नीचे जस्ट आपको एक्स्टर इतने बड़े बड़े से लिखे हुए मिल जाएंगे सैटन फिनिश में ही। और यहाँ ग्लोसी ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिल जाएंगे कनेक्टिंग वाले, जो हेडलाइट को कनेक्ट करती है। नीचे आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाएंगी सिल्वर कलर की, और उसमें इसमें आपको नट बने हुए मिलेंगे, जो कि ऐसे डिज़ाइन किए हुए। यहाँ पर ट्विंग हुक देखने को मिल जाती है। लाइट की बात करें तो हैलोजन ही मिलेंगे, प्रोजेक्टर इसमें मिलते हैं हाई लो दोनों एक ही में। और ऊपर आपको यहाँ पे एच शेप में DRL देखने को मिल जाती है, उसी के अंदर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाती है हैलोजन में ही। और कुछ फ्रंट साइड से ये बॉक्सी बॉक्सी डिज़ाइन लगती है, काफ़ी प्रीमियम लगती है। और इतने बड़े से विंडशील्ड, डुअल वाइपर, डुअल वॉशर के साथ, और ऊपर आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाते हैं इस वेरियंट में, काफ़ी प्रीमियम है। और यहाँ पर जलती हुई DRL कुछ आपको इस तरीके को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लाइट सेटअप भी है, हैलोजन ही आपको इसमें दिए जाते हैं, LED इसमें आपको नहीं मिलते हैं। बात करूँ कार की राइट साइड प्रोफाइल की, तो राइट साइड आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिले, पीछे से आपको उठे हुए देखने को मिलेंगे, जो कि अंदर में स्पेसियस सा लगे। और यहाँ पे आपको डायमंड कट अलाइबल देखने को मिलेंगे, 175/65 R15 के टायर। और यहाँ पे सस्पेंशन ट्रैवल भी अच्छे खासे मिलेंगे, यहाँ पे क्लाइडिंग ब्लैक कलर की देखने को मिल जाती है। और यहाँ ORBM इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल विथ इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगी, डोर हैंडल बॉडी कलर विथ रिक्वेस्ट सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ बी पिलर ब्लैक आउट देखने को मिलेंगे, ऊपर ग्लोसी ब्लैक के रूफ रिल्स देखने को मिल जाते हैं। और पीछे के विंडो कुछ बड़े से मिलेंगे, क्योंकि अंदर का ब्लैक है तो कुछ खुला खुला सा लगना चाहिए। और यहाँ पे आपको ग्लोसी ब्लैक में कुछ टच दिए गए हैं, जो कि एक कनेक्टिंग वाली फील देती है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल कुछ यही थे कार के। बात करूँ रेयर साइड में, तो रेयर साइड में आपको यहाँ पे सैटन फिनिश में हुंडई की लोगो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक्स्टर की बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ SX ऑप्शनल आपको यहाँ पे SX की बैजिंग, यहाँ दो पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाती है। और सिल्वर कलर के आपको यहाँ क्लाइडिंग देखने को मिल जाएगी, एच शेप में ऑलवेज ऑन लाइट जलते हुए मिल जाएगी, यहाँ इंडिकेटर, यहाँ रिवर्स लाइट और हैलोजन बल्ब भी मिलेंगे आपको, यहाँ वाइपर, डिफॉगर और ये हाई स्टॉप काउंटर, ऊपर शार्पिन एंटीना। और ग्लोसी ब्लैक में आपको स्पॉइलर भी मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरीके के लगते हैं। और यहाँ पे 2425 mm की व्हील वेस आपको देखने को मिल जाएगी, 2450 mm की। यहाँ पे आपको रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है, इसमें 360 कैमरा नहीं आती, बस रेयर ही आती है। और यहाँ स्पॉइलर आपको ग्लोसी ब्लैक में मिल जाती है, जो कि एक अल्टीमेट व्यू देती है पीछे से, कुछ इस तरीके के AG से आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी लगती है। बात करूँ इसकी बूट स्पेस की, तो आइए बूट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप इजीली की को पॉकेट में रखोगे तो यहाँ से बटन दबाओगे तो आप आराम से बूट को रिलीज कर सकते हो। यहाँ बूट स्पेस कुछ इस तरीके को आपको देखने को मिलेंगे, 391 लीटर आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लाइट आपको देखने को मिल जाती है। और बात करूँ यहाँ पे एक आपको स्टील रिम ही देखने को मिलेंगे, स्टेपनी व्हील भी। और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, और ऊपर आपको पूरे पैक्ड मिलेंगे, यहाँ पे हैंडल मिल जाएंगे, जो कि आप आराम से पकड़ के बंद कर। बात करूँ कार की लेफ्ट साइड प्रोफाइल की, तो लेफ्ट साइड आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्यूल फिलर कैप देखने को मिल जाती है, 37 लीटर पेट्रोल की आपको टंकी देखने को मिल जाएगी, और इसमें आपको CNG भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेंगे आपको देखने को, और कुछ इस तरीके के आपके साइड व्यू आते हैं फेंडर के। बात करूँ की तो यहाँ पे 3 बटन मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक और बूट ओपन के, और दोनों आपको रिमोट के ही देखने को मिलते हैं इस वेरियंट में SX ऑप्शनल में। भाई आइए आपको अंदर कार के लेके चलता हूँ, इंटीरियर भी दिखाता हूँ, तो आपको नियोस वाले फील आएंगे ये गेट की हैंडल वगैरह सब कुछ देख के। बाकी आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो देखने को मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड ऑटो, यहाँ विंडो लॉक, यहाँ ORBM एडजस्टिंग फोल्डिंग अनफोल्डिंग, ये हैंडल मिल जाएंगे, यहाँ हार्ड टच आपको देखने को मिल जाती है, नीचे आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगी, बोतल होल्डर भी आपको इसमें मिल जाते हैं देखने को, कुछ इस तरीके का है। बात करूँ सीट की, तो सीट आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको रिक्लाइनर और सीट हाइट दोनों देखने को मिल जाएंगे, फैब्रिक वाले सीट देखने को मिल जाती है, थाई सपोर्ट, आर्म सपोर्ट काफ़ी अच्छे, हेडरेस्ट आपको फिक्स्ड मिलेंगे, एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे सीट बेल्ट आपको ब्लैक कलर की देखने को मिलती है, और 6 एयरबैग इसमें आपको मिलते ही हैं। और बात करूँ ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कहाँ से कर रहा हूँ, तो राधा हरी हुंडई मुजफ्फरपुर बिहार से कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक विंक सब कुछ डाल दिया हूँ, नंबर आप पंकज जी से बात करके सब कुछ आप इसका डिटेल ले सकते हैं। ये मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ती है राधा हरी हुंडई, यहाँ से मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आइए अंदर आपको इसको मैं अंदर का फीचर वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को मिल जाएगी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। और यहाँ बेस लो या टॉप लो, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम ही देखने को मिलती है। और इसमें सब कुछ आपको टायर प्रेशर मॉनिटर और ये डायरेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे होंडाई की लोगो, और यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे आप क्रूज कंट्रोल और ये स्पीडोमीटर कंट्रोल कर सकते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडो, ये सब कुछ, गाड़ी कितने देर से चल रही है, कितने देर स्टॉप हुई है, कितना रेंज है, ये सब कुछ आपको इसमें दिखाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम देखेगी और राइट साइड में स्पीड मीटर, और राइट साइड में आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाते हैं, जो कि फुल्ली डिजिटल है। बाकी आपको लाइट वाइट के इंडिकेटर और इंडिकेटर के इंडिकेशन वगैरह सब कुछ इसमें आएगी, इंजन चेक लाइट वगैरह से फुल्ली इंफॉर्मेशन वाला डिस्प्ले आपको इसमें दिए जाते हैं। और स्टेयरिंग आपको कुछ इस तरीके के लेदर रैप देखने को मिलेंगे खाकी कलर में। यहाँ पर ऑटोमेटिक वाइपर, यहाँ हेडलाइट के लीपर और यहाँ वाइपर के लीवर आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टेयरिंग आपको बस इसमें टिल्ट ही मिलेगी, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं आते हैं। और इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ इस तरीके को देखने को मिलेंगे 8 इंच का, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर है, 60 फीचर इसमें आपको दिए जाते हैं। मैप, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, यहाँ पे सेटअप वगैरह आप कर सकते हैं, यहाँ से साउंड अप डाउन कर सकते हैं, 60 फीचर, ब्लू लिंक वगैरह सब कुछ इसमें आता है। यहाँ हैजार्ड के बटन देखने को मिले, एसी वेंट, यहाँ ऑटोमेटिक एसी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप एसी को टेम्परेचर हॉट एंड कूल कर सकते हैं। नीचे आपको टाइप सी और 12 वोल्ट के सॉकेट और यूएसबी और वायरलेस चार्जर सब कुछ इसमें मिलते हैं, कोई चीज़ नहीं छूट रहा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर, और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर देखने को मिलेगा। यहाँ मैनुअली हैंड ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ छोटे से कॉइन वाइन रखने के लिए, और उस डोर भी आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगी। ऊपर आपको यहाँ पे इतने सनरूफ भी इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ येलो कलर की रीडिंग लाइट और 1 टच ओपन सनरूफ है और 1 टच क्लोज्ड है, जो कि कुछ इतने रेंज इसमें ओपन हुई आपको दिखेगी, और 1 टच क्लोज भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि पंच में आपको नहीं मिलती है, यही चीज़ मिसिंग है। और यहाँ पे आपको माइक देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ वैनिटी मिरर नहीं मिलेंगे ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर आपको देखने को मिलेगी सनसेट पे। और रीडिंग लाइट तो येलो मिलते ही हैं। और यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स आपको देखने को, कूल्ड ग्लोव बॉक्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। पूरे नियोस वाले इंटीरियर आपको इसमें देखने को मिलेंगे, टेक्सचर भी काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको ब्लू लिंक वाले IRBM देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको डैश कैम देखने को मिल जाती है, जो कि आगे पीछे दोनों की रिकॉर्ड करती है। आइए अब आपको पैसेंजर साइड में लेके चलता हूँ, पैसेंजर साइड डोर दिखाता हूँ। तो अगेन आपको पूरे ब्लैक कलर के डोर देखने को मिलेंगे, यहाँ हार्ड टच देखने को मिल जाएगा हैंडल, और यहाँ पावर बटन के बटन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे डोर हैंडल देखने को मिल जाती है, सेम आपको नियोज वाले ही देखने को मिलेगी। यहाँ स्पीकर देखने को मिल जाएगा, यहाँ बॉटल होल्डर, कुछ इस तरीके के डोर ट्रिम आपको देखने को मिल जाती है, जो कि एक बड़े से हैं। और सीट आपको काफ़ी कुशनी और थाई सपोर्ट, आर्म सपोर्ट काफ़ी अच्छे, और पीछे के हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। सीट बेल्ट आपको पीछे तीनों पैसेंजर के लिए देखने को मिलते हैं। और लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने सीट पूरा कर पीछे कर रखा था, और इसमें आपको सीट पॉकेट नहीं मिलते हैं, ना ही आपको इसमें AC वेंट वगैरह कुछ देखने को मिलेंगे, नहीं सॉरी AC वेंट है इसमें, कुछ इस तरीके के AC वेंट आपको देखने को मिल जाती है। फैन स्पीड एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट के सॉकेट देखने को मिलेंगे, छोटे से हम्प देखने को मिल जाते हैं इसमें, और उस साइड डोर भी आपको इस सेम ही देखने को मिलेंगे ब्लैक कलर की। और ऊपर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट देखने को मिल जाएंगी हैलोजन वाले ही, और यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, ट्विंग हुक के साथ हुक मिलते हैं यहाँ पे टांगने के लिए कुछ कुछ। यहाँ सेंटर में आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह इसमें ऑफर नहीं किए जाते हैं। बीच वाले पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और पीछे पार्सल ट्री कुछ उस तरीके की चौड़ाई थी। और फ्रंट डैशबोर्ड का लुक रेयर साइड है, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगी सनरूफ जब आप बंद रखोगे तब। और मैं सनरूफ का कर्टन हटा दिया हूँ, तो कुछ इस तरीके की आपको डैशबोर्ड देखने को मिलती है रेयर साइड, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है, जो कि ये चीज़ पंच कभी नहीं देगी, ना ही दे सकती है। बाकी का